अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। तो दोस्तों आज हम दिन भर की सबसे पहले अपडेट्स देखने वाले हैं। आप लोगों को जैसा कि पता होगा दोस्तों, आपकी अगली सुनवाई 1 अक्टूबर 2019 को होने वाली है। तो दोस्तों उससे पहले दोस्तों बात करेंगे कि दीपावली तक मिल सकती है खुशखबरी। दोस्तों अगर आपका केस इसी रफ्तार से सुनवाई होती रही तो बहुत जल्द केस होगा फाइनल। आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे आजकल जो लंच के बाद आप लोग की सुनवाई दोस्तों कंटिन्यू हो रही 2:15 से। तो दोस्तों सच में अगर इसी रफ्तार से आपकी सुनवाई हुई तो बहुत ही कम समय में आपका केस फाइनल हो जाएगा। और दोस्तों अगर सब कुछ फाइनल तो होने वाला है दोस्तों, लेकिन काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे कि 40-45 और 60-65 दोनों कट ऑफ पर सेफ जोन, बताइए सर क्या होगा। तो दोस्तों चलिए ठीक है, देखते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो हम लोग ओपिनियन पोल करते रहते हैं, आप लोग खुद ही इसका आंसर करते हैं कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, तो उसके आधार पर दोस्तों आपको ये जो सेफ जोन बनता है कि इतने नंबर पाने वालों को नौकरी मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, ना इसमें कोई तुक्का लगता है ना कुछ अंदाजा लगता है, जो आप लोग दोस्तों करते हैं उसी का एक रेशियो रहता है और उसी रेशियो से दोस्तों आपकी सेफ जोन बनाई जाती है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कितने नंबर पाने वालों को मिलेगी नौकरी। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको समझना पड़ेगा कि आपकी फाइनल कट ऑफ क्या होगी। देखिए दोस्तों, फाइनल कट ऑफ अगर 60-65 लग जाती है तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर 90 और 97 से जिन बच्चों के नंबर कम हैं, अगर आपके दोस्तों 89 और 96 नंबर तक अगर आप पा रहे हैं तो आप शिक्षक भर्ती से पहले बात तो बाहर हो जाएंगे। तो कोई मतलब ही नहीं दोस्तों कि आप लोग सोचें कि आपकी सेफ जोन क्या होगी। लेकिन दोस्तों दूसरी बात दोस्तों, अगर 60 और 65 की जगह 40 और 45 कट ऑफ दोस्तों फिर से सिंगल बेंच की तरह डबल बेंच में जीता तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, तब आपका एक क्वेश्चन मार्क लगेगा। तब क्या होगा, कैसे होगी सुनवाई आगे की और क्या होगा प्रोसेस? ठीक है दोस्तों, क्योंकि सुनवाई का मतलब दोस्तों ये मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाला है, ये तो सबको पता है दोस्तों। लेकिन ये बात दोस्तों श्योर है कि जैसे डबल बेंच का आपका फैसला आएगा जो भी है दोस्तों फाइनल, ठीक है दोस्तों हम बात करेंगे, जो भी आपका फाइनल फैसला आएगा उसके आधार पर दोस्तों तुरंत आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट आने का मतलब अगर आप समझ रहे हैं, रिजल्ट आने का मतलब दोस्तों साफ तौर पर यह होता है कि सरकार चाहे तो अंतरिम राहत पर आपको नौकरी भी दे सकती है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट के पास कितनी पावर होगी कि एक बार रिजल्ट अगर आपका डिक्लेयर हो जाएगा तो अंतरिम राहत दोस्तों तभी आपको दी जा सकती है, बिना रिजल्ट आए दोस्तों आप लोग अंतरिम राहत भी नहीं पा पाएंगे। तो ये बात दोस्तों आप समझ गए होंगे कि रिजल्ट आना बहुत ही जरूरी है, रिजल्ट के बाद ही दोस्तों आप लोग को अंतरिम राहत, जो भी राहत आपको मिलनी है वो रिजल्ट के बाद ही मिल पाएगी। अब दोस्तों देखिए, बात आ रही थी यार कि कम से कम कितने नंबर चाहिए नौकरी के लिए। जी हाँ दोस्तों, सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि चलिए मान लेते थोड़ी देर की अगर आपकी फाइनल कट ऑफ 40-45 है, क्योंकि दोस्तों 40-45 से माना जा रहा है कि जो सभी बच्चे आ रहे हैं 40-45 पर दोस्तों कम से कम 85% बच्चे कवर होंगे। ठीक है दोस्तों, 85% बच्चे ऐसे होंगे जो 40-45 के रेंज में क्राइटेरिया में आ रहे हैं, दोस्तों 85% बच्चे यहाँ से कवर होंगे 40-45 के रेंज में। तो दोस्तों समझिए, 40-45 अगर दोस्तों जीतेगा तो क्या होगा और कैसे मिलेगी नौकरी, क्या होगा क्राइटेरिया? सबसे पहले दोस्तों आप एक बार समझनी होगी आपको, 69,000 शिक्षक भर्ती है आपकी, ठीक है। कुछ बातें दोस्तों आपको समझा देते हैं कि काफ़ी बच्चों को डाउट है कि अगर 40-45 होगा तो हमें कुछ भी नौकरी नहीं मिलेगी, परेशान हो रहे बच्चे। लेकिन देखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो दोस्तों शिक्षा मित्र 40 और 45 कट ऑफ पर भी पास होंगे तो उनकी बहुत ज़्यादा दोस्तों जो संख्या होगी वो 30 से 40 हज़ार के बीच में होगी। ठीक है दोस्तों, कम से कम 30,000 मान लें और अधिक से अधिक 40,000। अगर दोस्तों थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि शिक्षा मित्र कम से कम 30,000 पास होते हैं तो दोस्तों हमारे पास सीटें कितनी बच रही है, पहले आप इसको समझना पड़ेगा। आपके पास दोस्तों 39,000 सीटें बच रही हैं, ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं ना दोस्तों कि 39,000 सीटें दोस्तों तब भी आपकी खाली रहती है जब आपके शिक्षा मित्र 40-45 पर दोस्तों आपकी कट ऑफ लगाई जाती है, और दोस्तों तब भी आपकी 39,000 सीटें खाली रहती हैं। अब दोस्तों 39,000 सीटें कम नहीं होती यार, ऐसी आजकल जो वैकेंसी आती है आज के दिन, तो दोस्तों आप देख लोगे कितनी कम कम वैकेंसी आती है। तो दोस्तों अगर ये 39,000 सीटें बचती हैं तो इनमें किनको मिलेगी नौकरी, अब ये एक सवाल खड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, आपको जो सीट का डिवाइड होगा वो कैसे होगा समझ गए। शिक्षा मित्र का पक्ष अगर दोस्तों जीतता है 40-45 तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग अदर यूट्यूब चैनल के माध्यम से काफ़ी डर रहे होंगे कि यार 40-45 जीत जाएगा तो हमें नौकरी मिल ही नहीं सकती दोस्तों, और आप समझिए 39,000 सीटें तब भी आपके पास खाली जाएंगी। और दोस्तों मानते कि एक अंदाजा है कि 85% बच्चे पास होंगे 40-45 कट ऑफ पर, या दोस्तों इनकी संख्या कम हो सकती है, बढ़ेगी तो नहीं बिल्कुल भी। अगर थोड़ी देर के लिए दोस्तों आप मान लेते हैं कि 70% बच्चे पास होते हैं, ठीक है 4,70,000, ठीक है दोस्तों उसमें से 30,000 बच्चे शिक्षा मित्र होंगे जो नौकरी पाएंगे, उसके बाद दोस्तों क्या होगा? अब उसके बाद दोस्तों क्या होगा ये आपको समझना है।
और इसमें दोस्तों एक बात और है कि इसमें बीएड के बच्चे बहुत अधिक आते हैं। देखिए इसमें बीएड पीसी के बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि बीटीसी के बच्चे सब अभी जल्दी के हैं और उनके अंक अच्छे होते हैं। जो बच्चे बीटीसी में अच्छे नंबर मेंटेन करके रखे हैं पहले से, उनको तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात आती है बीएड के वो बच्चे जो पहले से काफ़ी पहले मतलब 2-4 साल या 10 साल पहले इंटर हाई स्कूल पास हो चुके हैं या जो भी दोस्तों कंडीशन हो, तो उनके जो ग्रेजुएशन होगा इंटर हाई स्कूल दोस्तों, तो दोस्तों वहाँ पर इनके नंबर कम बन रहे होंगे बीएड के बच्चों का, तो दोस्तों इनको थोड़ी सी दिक्कत होगी बीटीसी की तुलना में। देखिए शिक्षा मित्र दोस्तों 30,000 पाएंगे तब भी दोस्तों 39,000 सीटें खाएं, तो उसके लिए दोस्तों आप कट ऑफ समझिए पहले आप जनरल ओबीसी एससी और एसटी, ठीक है दोस्तों 39,000 जो बाकी रिक्त सीटें बचती हैं उसमें कैसे आपका सीट का डिवाइडेशन होगा उसको समझते हैं। अगर दोस्तों 39,000 सीटें, ठीक है ये बात आप समझ रहे हैं। देखिए दोस्तों एक बात पहले आपको समझा देते हैं, 4 लाख का 70% दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28, मतलब 2,80,000 होगा दोस्तों। 30,000 शिक्षा मित्र नौकरी पा जाते हैं मतलब दोस्तों 2,50,000, ठीक है दोस्तों, मतलब 2.5 लाख बच्चों में से आपको 40,000 सीटें लगभग या 39,000 सीटें डिवाइड करनी है दोस्तों। सिंपल सी बात है, इसको भाग कर दीजिए 39,000 से, 3030 कट गया दोस्तों, मतलब 250/39,50। तो दोस्तों एक मोटा मोटा आइडिया लिया जाए तो लगभग 6 का रेशियो आएगा, 6 पॉइंट समथिंग का आएगा, ठीक है दोस्तों 6 पॉइंट समथिंग, मतलब एक सीट पर 6 बच्चों का कंपटीशन होने वाला है, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर एक सीट है तो दोस्तों वहाँ पर जो बच्चे हैं मुकाबला करने के लिए वो 6 बच्चे होंगे। शिक्षा मित्र निकलने के बाद दोस्तों बात हो रही है 40 और 45 कट ऑफ पर बात हो रही है, ठीक है। तो मतलब दोस्तों अगर आप लोग हर छठे बच्चे को लगभग नौकरी मिल जाएगी इस कंडीशन में दोस्तों जो आपके सामने दिख रहा है, तो मतलब एक सीट पर 6 बच्चे हैं तो हर छठवें बच्चे को नौकरी मिलेगी। और दोस्तों हर छठवां बच्चा होगा कितने का, अब सिंपल सी बात है दोस्तों, देखिए इसमें फायदा किन बच्चों को मिलेगा, जिनकी उम्र ज़्यादा होगी थोड़ा बहुत दोस्तों उनको फायदा जरूर मिलता है बेनिफिट अधिकतर नौकरियों में। अगर दोस्तों कभी कभी आपका गुणांक सेम हो जाता है, जैसे मान लेते किसी बच्चे का 65 होता है, 65 आपका भी बन जाए, 2 बच्चे 65 65, फिर दोस्तों देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा उम्र किसकी है, उम्र ज़्यादा वाला नौकरी पाएगा दोस्तों, कम वाला नहीं, ठीक है। अगर एक बच्चे की उम्र 25 साल है और एक बच्चे की 30 साल है, तो 30 साल वाले बच्चे को पहले नौकरी दी जाएगी, क्योंकि 25 साल वाले के पास यार 5 साल का टाइम है ना, हो सकता है ऐसा सोचा जाता है कि चलो 5 साल में कहीं ना कहीं नौकरी पा सकता है, लेकिन जो बच्चा 30 साल का हो चुका है उसको नौकरी पाने की उम्मीदें कम हो रही हैं, तो उनको नौकरी का प्रायोरिटी पहले दी जाती है। अब कभी कभी दोस्तों ऐसे होता नहीं, बहुत ही रेयर केस में हो सकता है कि आपकी उम्र सब कुछ समान है, चीज़ के आप भी बिल्कुल डेट टू डेट सेम, ठीक है दोस्तों एक भी दिन ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो दोस्तों क्या होगा फिर दोस्तों, कभी कभी आपका नाम देखा जाता है प्रायोरिटी में, जैसे किसी बच्चे का नाम ए से शुरू होता है जैसे मान लेते आर्यन है, और किसी बच्चे का नाम डी से शुरू होता है जैसे मान लेते दीपांशु है, तो दोस्तों यहाँ पर आर्यन को नौकरी दी जाएगी, दीपांशु को बाद में प्रायोरिटी दी जाएगी, तो ये कंडीशन दोस्तों लगाई जा सकती है। तो दोस्तों देखिए हर छठा बच्चा नौकरी पा रहा है 40-45 कट ऑफ पर, तो दोस्तों ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, तो मतलब इसमें भी आपको नौकरी पाना आसान है, खाली दोस्तों एक डर है आपको कि नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आपको बता देते कट ऑफ के स्तर पर तो आप ज़्यादा अच्छे समझेंगे, 60-65 दोस्तों बनने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जो बच्चे पास होंगे वो 50,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में होंगे, ठीक है मैक्सिमम 50,000 तो दोस्तों नहीं है, लेकिन 1,00,000 दोस्तों बच्चे पास होने वाले नहीं, लेकिन दोस्तों एक मोटा मोटा हिसाब लिया जा रहा है तो हम कम से कम और अधिक से अधिक जोड़ रहे हैं, तो दोस्तों अगर इतने बच्चे पास होते हैं तो मतलब एक सीट पर एक बच्चे का मुकाबला, जी हाँ दोस्तों एक सीट पर बराबर एक बच्चा, तो मतलब सिंपल सी बात है यार कि अगर आप पास भी हो जाएंगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। 60-65 दोस्तों अगर कट ऑफ जीतता है और 60 और 65 की रेंज में अगर आप पासिंग मार्क भी ले आते हैं तो आपकी नौकरी लगना तय है। तो दोस्तों ये था पूरा फंडा, काफ़ी बच्चे जो परेशान हो रहे हैं, और दोस्तों देखिए दीपावली तक आपको खुशखबरी मिल सकती है, का मतलब ये है कि दोस्तों आपका जो सुनवाई जिस रफ्तार से चल रही है अगर तब तक फाइनल हो जाता है कोर्ट केस, ऑर्डर आपका रिजर्व हो जाता है, तो मतलब साफ होगा दोस्तों ऑर्डर रिजर्व के बाद आपको ये पता चल जाता है, अंदेशा लगता है कि दोस्तों किसकी जीत हो रही है। देखिए दोस्तों अभी जस्ट आप जस्टिफाई या सेटिस्फाइड नहीं हो पाए आपसे पूरी तरीके से, इसलिए क्योंकि दोस्तों उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आपने आखिर पासिंग मार्क या साधना दिवस जो 7 जनवरी को लाया था, 7 जनवरी 2019, तो दोस्तों आपने 7 तारीख को ही क्यों लाया, पहले क्यों नहीं लाया, ठीक है दोस्तों, मतलब दोस्तों इनसे पूछा गया कि भाई जो आप कट ऑफ लगाए जो भी फाइनल मार्क या योग्यता जो भी आपने दर्शाया है आपने 7 तारीख को है दिन क्यों चूज किया, उससे पहले का दिन क्यों नहीं लिया, तो दोस्तों इस पर मामला फंस रहा है। तो दोस्तों देखते हैं कि आने वाले समय में अभी इसका इलेक्शन होगा,
एक अक्टूबर को भी दोस्तों जोरदार बहस होने वाली, तो आप इसके लिए परेशान मत होइए। जो वकील साहब लोग होंगे वो सब अपना देख लेंगे। तो आप लोग को दोस्तों खाली आपने जो मेहनत कर दी थी वो सब कर चुके हैं। अब दोस्तों खाली आप लोग ये देखिए, कटाप कुछ भी जीते, आपके पास दोस्तों पहले बेस्ट सिटी का ऑप्शन हो कि आप कहाँ से जिला भरेंगे तो कहाँ पर आपको नौकरी लग सकती है। हमने दोस्तों देखा अभी आपका यूपी बीटीसी का फॉर्म भरा जाता है, बीएड का भरा जाता है, जल्दबाजी में सभी बच्चे गलती करते हैं। तो दोस्तों गलती का मतलब सीधे तौर पर आपकी नौकरी खतरे में होगी। उस समय आप गलत एक भी जिला डिसाइड करेंगे तो दोस्तों समझ लीजिए आपकी गलती होगी वो। तो जो आपके पास टाइम बचा है तो थोड़ा बहुत दोस्तों उस पर भी रिसर्च करिए कि कहाँ पर कितनी कटाप जा सकती है। तो दोस्तों उसके हिसाब से भी दोस्तों आप लोग देखिए, लेकिन हम फाइनल में दोस्तों जब आपकी बनेगी तो आपके लिए स्पेशल वीडियो तो दोस्तों आएगी, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए कि दोस्तों जब वो सब वीडियोस मिले तो आप सबसे पहले उसको देख पाए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको दोस्तों और भी चीज़ें देखते रहना है कि कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि दोस्तों समय बदलते देर नहीं लगता, आज क्या कल क्या है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के बाद आपको कुछ समझ में आया होगा बात कि अगर 40-45 कटाप भी लगती है तो आपके ठीक ठाक नंबर हैं तो आपकी नौकरी लग सकती है। देखिए अब ज़्यादा कम नंबर होंगे तब तो नहीं लग पाएगी 40 और 45 पर, लेकिन ठीक ठाक का मतलब दोस्तों आप समझ रहे होंगे, ठीक ठाक का मतलब ठीक ठाक ही होता है। तो अगर उसके नंबर आपके आते तो आपकी नौकरी लगेगी। तो दोस्तों फिलहाल आज तक की अपडेट यही है कि अभी दोनों टीम या दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारी में जुटे। तो दोस्तों जैसे ही और अपडेट लेके आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल दोस्तों स्टे कनेक्टेड और अभी से सभी को हैप्पी दिवाली।